एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक फ्लावर वास शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत इजी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड ट्यूब लिया है। अगर आपके पास ऐसा कार्डबोर्ड ट्यूब नहीं है तो आप कोई पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं। इस कार्डबोर्ड को हार्ड बनाने के लिए मैंने बॉल पुट्टी लिया है जिसमें पानी मिक्स करके एक पेस्ट बना लूँगी और फिर इसे कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। अच्छे से इसके ऊपर ये पेस्ट लगाने के बाद अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है, मैं इससे एक सर्कल ड्रॉ करूंगी और इस टाइप के मैं दो पीसेस कट कर लूंगी। अब हम इन दोनों पीसेस को एक दूसरे से चिपका देंगे। उसके बाद इसके ऊपर मैं कार्डबोर्ड का जो ट्यूब है उसे भी फेविकोल से अच्छे से चिपका लूँगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बॉल पुट्टी लेंगे और बॉल पुट्टी फेविकोल और पानी को मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे। कभी भी परफेक्ट डो बनाने के लिए हमें पानी को एक साथ नहीं मिलाना है, हमें पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। अब इसका हम बेस बनाएंगे। जिसे बनाने के लिए मैंने पहले अच्छे से इस डो को रोल कर लिया है, फिर इस ट्यूब के अराउंड मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और अपने हाथों को गीला करते हुए इसके सरफेस को स्मूथ कर देंगे। और अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसके ऊपर वाले पोर्शन को भी इसी तरह से कवर कर लेंगे। इसी के साथ ही अब हमारा फ्लावर वास कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कुछ घंटों के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है इसके बाद मैं इसे सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लूँगी। उसके बाद जो इसके ऊपर डस्ट रहेगी मैं उसे किसी भी ड्राई कपड़े से या ब्रश से हटा दूँगी। मैंने इसकी डस्ट को भी ब्रश से हटा दिया है। अब हम इसे कलर करेंगे। इसे करने के लिए मैंने ये वाइट एक्रेलिक कलर लिया है। आप चाहें तो कोई भी वॉल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कलर करने के लिए मैंने दो कलर्स का यूज़ किया है जिसके लिए मुझे इसके एरिया को डिवाइड करना है और उसके लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छे से कलर कर लेंगे और इसे कलर करने के लिए मैंने इस पर दो कोट अप्लाई किए हैं। इसी तरह से मैंने इसके नीचे और ऊपर वाले पोर्शन में ब्राउन कलर कर लिया है। अब ये दोनों कलर अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब मैं इस टेप को रिमूव कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर एक सिंपल सी मधुबनी पेंटिंग बनाऊंगी। जिसे बनाने के लिए मैंने मल्टी कलर्स का यूज़ किया है और मैं इसे डायरेक्टली ब्रश से बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप कलर कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग एक ब्यूटीफुल इंडियन पेंटिंग है जिसका ओरिजिन बिहार के मिथिला रीजन से हुआ है, इसलिए इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं।
मैंने इसमें पिकॉक का डिज़ाइन बनाया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन और पैटर्न बना सकते हैं। ये हमारा फ्लावर वास बन चुका है और इसे मैंने हाईलाइट करने के लिए गोल्डन येलो कलर से बॉर्डर्स बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।